Hi friends, this is Bashir Ahmed Gujri with a video titled Trigonometry 3, Subject Mathematics and Class 10th. Hello friends, इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे how tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta. तो सॉल्यूशन में as usual पहले हम LHS लिखते हैं, तो LHS में आएगा tan of theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta. तो इसको हम RHS में ना tan चाहिए ना cot चाहिए, तो इस tan को हम convert कर लेंगे into sin and cos. tan theta is equal to sin divided by cos theta. और similarly 1 minus cot की जगह लिखेंगे cos theta divided by sin theta. उसके बाद plus है, यहां cot फिर से है, तो फिर से cos theta divided by sin theta whole divided by 1 minus tan की जगह फिर से sin theta divided by cos of theta. तो आगे क्या होगा, यहां sin theta divided by cos theta whole divided by यहां sin theta into 1 तो minus है, यहां sin theta minus cos theta divided by sin theta, तो यहां आएगा sin theta minus cos theta whole divided by sin theta plus यहां cos theta divided by sin theta. उसके बाद ये होल डिवाइड, तो डिवाइड लिखेंगे यहां cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय ये वाला cos. अब जब ये डिवाइड हम यहां कैरी कर लेंगे, ये sin थीटा जो है ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो sin इंटू sin इट विल बी sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और ये वाला cos जो है ये इसके साथ मल्टीपल होगा, दैट मींस नीचे आएगा cos थीटा, ये वाला cos थीटा इनटू जो यहां रहा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस. ऐसे यहां भी जब ये वाला डिवाइड हम कर लेंगे तो ये cos थीटा जो है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा इस cos के साथ, तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय ये साइन इनके साथ मल्टीपल होगा, तो नीचे आएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब दो टर्म्स हमारे पास रहे, इन दो टर्म्स को अगर हम देखते हैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश कर लेंगे तो ऐसा है नहीं, लेकिन इस sin थीटा माइनस cos थीटा यहां है, लेकिन यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है, इनको एक जैसा बनाएंगे, ध्यान देना है कैसे. हमने यहां लिखा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू 1 इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ऐसे ही रहा. इसको भी sin थीटा माइनस cos थीटा कर लेंगे ताकि इसके सब कॉमन फिर निकल आए. अगर इसको sin थीटा माइनस cos थीटा तो यहां माइनस लगेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू इसको क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. देखो ये माइनस मल्टीपल कर लेंगे तो वापस माइनस इनटू साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, माइनस इनटू माइनस मींस प्लस कॉस थीटा. अब दोनों टर्म से निकलेगा कॉमन 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो यहां क्या रहा अंदर, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, माइनस रहा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, तो ऐसे आएगा 1 डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, तो कॉमन है ही, ये मैंने ये डायरेक्ट लिखा. अंदर क्या आएगा, sin थीटा into sin स्क्वायर थीटा इट विल बी sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा into cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा,
और डिवाइड क्या आएगा, यही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट वन डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही लिखा। अब ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला से होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि होल डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा साइन थीटा। यहां जो हमने फॉर्मूला यूज की, अगर आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वी नो इट इज ए माइनस बी, ध्यान रहे इट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, यही वाली फॉर्मूला मैंने यहां एक साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान रहे आगे कैसे होगा, तो यहां न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन हमें पता है इट इज वन, तो यहां रहा वन प्लस आगे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब जो ये डिवाइड कॉस थीटा साइन थीटा, ये इस टर्म को अलग लिखेंगे, इस टर्म को अलग लिखेंगे, अगर इसको अलग लिखेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, ध्यान रहे यहां ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय फिर से कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन प्लस ये वन को अलग से हो जाएगा, वन डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान रहे कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बना वन है ना, प्लस वन डिवाइड बाय कॉस, व्हाट इज दैट, दैट इज सेक थीटा इंटू वन डिवाइडेड बाय साइन, दैट इज कोसेक थीटा। अगर आप चेक करोगे इट इज आर एच एस, दिस इज हाउ वी प्रूव्ड, आप चेक भी कर सकते हो आर एच एस क्या था, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और हमें भी एल एच एस जब हमने सॉल्व किया वी प्रूव्ड इट इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, दैट इज आर एच एस, हेंस वी प्रूव्ड द आइडेंटिटी। Thank you for watching this video with regards Bashir Ahmed Gojri. For more such videos, subscribe the YouTube channel called Bashir Gojri.